हाय, यस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैं अभी थोड़ा यू नो इन दिनों बिजी था कुछ अपने बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े ये बड़े बड़े जो ये क्या है ये भाई, ये क्या बना दिए हैं भाई? कुछ तो होगा इस दुनिया में इलाज जो इन चिपकैले जोक जैसे गानों को अपने दिमाग से निकाल सकूं मैं। वेल, मेरे पास है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं रिव्यू वगैरह करता हूं किसी गाने का, तो मैं उस गाने को सुनता रहता हूं, बार बार सुनता हूं उसके बारे में और जानने के लिए। तो वो सुनते सुनते क्या होता है कि मैं उस गाने से बोर हो जाता हूं, और यू नो आई गेट इरिटेटेड। ये जो क्रिंज फैक्टर वाले गाने जो इंस्टाग्राम में चल रहे हैं ये खूब सारे, ये पैतरा आज मैं इन गानों पर अपनाने वाला हूं, ताकि इन गानों से मैं बोर हो जाऊं। लेकिन इंस्टाग्राम और शॉर्ट से कैसे हटाऊं इन्हें भाई? ये क्या बनाया ये है? ये एक सर में छेद करने वाला गाना बना दिया है ये वाला। और ये किए बना दिए सुनने के बाद शरीर के बाकी बच्चे कोई छेद बंद हो जाते हैं। और फिर किसी ने बनाया ये आत्महत्या बम। और ना चाहते हुए भी मुझे पसंद आ रहा है। और खासकर ये साला मैशअप, ये क्यों है इतना एडिक्टिव? मैं तो पार्टी कर रही थी, कर जाके पार्टी फिर। अब जो ये गाना जमान में बैठ ही चुका है सबके, ये क्यों बैठा है मैं बताता हूँ आपको। इट्स दैट डैम हाई हैट भाई। बच्चों वाले गाने में तुमने ये कैची बीट डाल के क्या उखाड़ लिया बच्चों का, पता नहीं हमारे दिमाग में बैठ गया ये गाना, हम बच्चे बन गए हैं। दूध कहाँ है मेरा भाई? देखो साफ साफ एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि इस गाने की कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ही कैची बनाई है, और वो रिपीट होती रहती है। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, जहर खा रही थी, ये चीज़ मतलब ये रिपीट होती रहती है। तो ये जो रेपिटेटिव चीज़ है ये हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कब्जा कर लेती है और दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है। और उसके ऊपर डाल दी इन्होंने ये बीट, तो वो सोने पे सुहागा जैसा केमिकल रिएक्शन बना दिया इन्होंने, वो इतनी आसान से दिमाग से नहीं उतर सकता, आप कुछ भी कर लो ठीक है। और रही बात ये दूसरे गाने की, ये क्या है, टिंडे खा ले ठुमक ठुमक के टिंडे खा ले तू। जोक्स अपार्ट, इट्स अ पहाड़ी फोक सॉन्ग नेम्ड ठुमक ठुमक, और ये कैची है अब कैची क्यों है कैची? गाने में जो वोकल्स हैं वो 30% सुर में नहीं है, उनको ट्यून व्यून कुछ नहीं किया गया, दे आर रॉ वोकल्स। पानी की तुसली तेरे मुंड, बट ये जो कॉम्पोजिशन है ना ये खुद में ही इतनी एडिक्टिव है। किन्ने चाले बटनो किन्ने चाले तू, ठुमक ठुमक हाय किन्ने चाले तू। इट्स अ फुल कंस्ट्रक्शन ऑफ आ कॉम्पोजिशन, ये कोई छोटी कॉम्पोजिशन नहीं है कि मैं तो पार्टी कर रही थी मजे कर रही थी, वो भी कैची बन जाता है। बट ये जो है ना ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक नोट से शुरू होती है और उसी नोट पे एंड हो जाती है। बेसिकली उसी कॉर्ड पे एंड हो जाती है, और ये एग्जांपल है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड कैची कॉम्पोजिशन का। अब जो मैं तो पार्टी कर रही थी वाला गाना है, ये एक छोटी लेस डिटेल्ड लेस कंस्ट्रक्टेड कॉम्पोजिशन है, इट्स अ सिंपल कॉम्पोजिशन। फिर ये पहुंचती है एक बेमतलब एक क्लाइमैक्स में, मुझे बंदर ने बुलाया बोला खी खी खी, तो ये कैची तो है। अब वो क्रिंज भी है, और वो क्रिंज क्यों है वो डिपेंड करता है टेस्ट पे, कि किसी को लिरिक्स सुन के क्रिंज फील हो रहा होगा, किसी को कुछ सुन के क्रिंज फील हो रहा होगा, तो बेसिकली इट्स क्रिंज। अब एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ये धोनी भैया का गाना जो है ये बोले जो कोई है बागों में, ये धोनी से क्यों रिलेशन बनाया गया, मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट बताओ एक तो इस गाने का। फाल्गुनी पाठक जी की कॉम्पोजिशन है बेसिकली ये ओरिजिनल, तो इसका ये मनीष पांडे जैसा दिखने वाले लड़के ने कवर बनाया है, और तो है तो कैची भैया, तुम लोगों ने बनाया तो बहुत बढ़िया है। और इस पे ये बीट डाल दी गई है, बस एक बहुत ब्राइट बीट डाल दी गई है, और ये बीट खुद में ही कैची है, और इस पे एक सुंदर मधुर कॉम्पोजिशन डाल दी जाए, अगर आप एक कैची चीज़ के साथ दूसरी कैची चीज़ मिला सकते हैं तो कैच मसाले बन जाते हैं और कैची बन जाती है वो चीज़। तो कुल मिला के बात यही, क्रिंज गाने क्यों कैची होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर नॉट वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स म्यूजिकली, बहुत आसान चीजें होती हैं, ऑन योर फेस होती हैं कि ये ले कॉम्पोजिशन और यही चीज रिपीट होती रहेगी बार बार, और दे हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ यूजिंग गुड बीट्स इन अ वेरी कैची कॉम्पोजिशन, और सब कुछ कैची कैची डाल डाल के एक पावरपफ गर्ल बना देते हैं लोग, और उस पावरपफ गर्ल के साथ हम लोग इंजॉय उसको सुनते रहते हैं, उस गाने को सुनते रहते हैं। भाई आज जाके मिलने वाली है संतुष्टि, क्योंकि इन टॉपिक्स पे मैंने कुछ वीडियो बना डाली, बहुत दिन हो गए थे यार सुन सुन के दिमाग खराब हो गया था हर जगह, आज जाके भड़ास निकली है। और वेल भड़ास से याद आया, एक गाना सुनाता हूँ आपको, टू म्यूजिशियंस याद है आपको, फिर जो भी हो चाहे मेरा, मैं यूं ही जाके खुद को छोड़े, जलना ही है जो अब मुझे, तो
मस्त गाना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में सुनो जाके, शाउट आउट गाइस, शाउट आउट। लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई हम तेरे को ईमेल ईमेल करते हैं, हम तेरे को इंस्टाग्राम में लिंक्स भेजते हैं अपने गाने की, ये सोच के कि हमें शाउट आउट मिलेगा, बट तू तो शाउट आउट नहीं करता, अब तू बदल गया, अब तू टीआरपी के लिए काम करता है, तू कमर्शियल हो गया बहुत ज्यादा, ये वो। देखो कमर्शियलनेस इज नेसेसरी, एक कंसिस्टेंट ऑडियंस नहीं बन पाएगी चैनल में तो तुम्हारे शाउट आउट का भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें भी उतनी ऑडियंस नहीं मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप जो मुझे अच्छे अच्छे गाने भेजते हैं उनको प्रॉपर एक अटेंशन मिले। मैं नहीं चाहता कि मैं एक वीडियो में एक गाने को शाउट आउट दूं और उस वीडियो में व्यूज ही नहीं आए और वो शाउट आउट वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। तो व्हेन दिस चैनल विल रीच एट अ पॉइंट कि एक कंसिस्टेंट ऑडियंस मिल जाएगी इस चैनल को, तो मैं शाउट आउट्स रेगुलरली दिया करूंगा ताकि वो शाउट आउट्स वेस्ट ना हो, तो बी पेशेंट। ओके, अब आते हैं हम एक बहुत ही ज्यादा वायरल सेंसेशन वाली एक वीडियो पे, जो कि है आमी जे तोमार, गाना गाया है कुछ उज्बेकिस्तान के लोग हैं मेरे ख्याल से, इनका नाम, ये नाम कैसा रखते हैं यार, ये हवस कैसा नाम होता है, वेल नेवर माइंड, हवस का मतलब हो सकता है उनकी लैंग्वेज में कुछ और बहुत अच्छा हो, हमारी लैंग्वेज में नहीं अच्छा तो मुझे ऑकवर्ड लगेगा बोलने में, ठीक है। उज़्बेकिस्तान के इन दो सिंगर्स ने ये गाना गाया है और बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं ये लोग, ये रील, ये वीडियो फेमस हो रही है कि वाओ दे डोंट स्पीक हिंदी बट दे कैन सिंग हिंदी वेरी वेल, और वो भी इतना मुश्किल गाना गा दिया उन्होंने, सरगम वाला क्लासिकल सॉन्ग, वाओ 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 वाओ, वेल नो डाउट दे हैव संग दैट, बट दिस परफॉर्मेंस, दिस पर्टिकुलर वीडियो जो उन्होंने अपलोड की है, जो आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोग लाइक कर रहे हैं, वो लिप सिंक्ड या फिर ओवरलैप परफॉर्मेंस है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल ऑडियो, दे आर सिंगिंग राइट देयर। आप ध्यान से सुनेंगे अगर तो डबल लेयर सुनाई देगी आपको ऑडियो में, एक लेयर वो है जो ओरिजिनल जो गा रहे हैं वहां पे स्टेज पे वो वाली आवाज है, और जो ऊपर नजर आ रही है, जो आपके मुंह पे नजर आ रही है, एक रिकॉर्डेड ऑडियो है, पहले से रिकॉर्ड की है या बाद में रिकॉर्ड की है, उसको ओवरलैप कर दिया गया है इस परफॉर्मेंस में, क्योंकि आप अगर सुने तो कैरियोके पे चल रही है वो ऑडियो, और जो पीछे बजाने बुजुने वाले हैं वो कुछ और ही बजा रहे हैं भैया, जहाँ स्ट्रिंग्स यूज हो रही है वहाँ स्ट्रिंग की आवाज नहीं आ रही, ढोलक सिंक नहीं हो रहा ढोलक के साथ, ड्रम्स है वहाँ पे भाई, ड्रम्स तो है ही नहीं गाने में, क्या चल रहा है ये। बट स्टिल द फैक्ट दैट दे हैव संग इन अदर लैंग्वेज, वो भी इतना डिफिकल्ट गाना, वो फैक्ट फैक्ट रहता है और उसके लिए उनको तारीफ बनती है, दे हैव डन एन एक्सेप्शनल जॉब, ये गाना उन्होंने गा के अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है। तेरे कैसों के साहे में मेरे राहतों की खुशबू है। And they are actually very good performers. Indian Idol वगैरह की बात अलग है क्योंकि वो competition है, reality show के तौर पे बेचा जा रहा है, हम भी as a judge देखते हैं उस competition को, तो वहाँ पे आप fake कर रहे हो, वहाँ पे lip sync कर रहे हो, that's सरासर cheating. But ये एक live stage performance है, इसमें कोई judging वजी नहीं हो रही है, उन्होंने ही गाया है ये गाना, तो इतना चलता है, ये चलता है, यहाँ पे चलता है, टेक इट एज अ म्यूजिक वीडियो ओनली, बट हाँ फैक्ट ये है कि ये लाइव ऑडियो नहीं सुना रहे हैं हमें, ये एक रिकॉर्डेड ऑडियो सुनाई जा रही है। स्टिल दे आर वेरी वेरी गुड सिंगर्स, आप दूसरी परफॉर्मेंसेज देखेंगे उन लोगों की, तो काफी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो लाइव हैं और बहुत अच्छी है। तो ये तो थे भैया आपके मुंह पे मारे गए कुछ फैक्ट्स, और इन्हीं के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, आप ज्यादा हो जाएगा, कुछ है नहीं बताने लायक, और यही है बस, अच्छी लगे तो शेयर वेयर कर देना, मतलब ऐसे ही बना दी मैंने वीडियो, ठीक है, बाय। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये, अब किस किस को, टिंडे खा ले बछड़ो, टिंडे खा ले तू, ठुमक ठुमक हाय, टिंडे खा ले तू।